ऐसे कल वीडियो नहीं आई थी उसके लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहूंगा, लेकिन भाई अगली जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मैच कॉम्पिटिशन वीडियो फॉर मनी इन द बैंक 2022, तो भाई उसको देखना मत भूलना। भाई किसी वीडियो में बात करने वाले है रोमन है जो रिडल के बारे में, जो कि होने वाला है स्मैकडाउन में। तो यहाँ पे जो हमारे ट्राइबल चीफ रोमन है उन्होंने भाई रिडल के लिए है ना मैसेज सेंड किया है जो कि काफी भाई खतरनाक है, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। हम बात करने वाले भाई पेज के बारे में, तो भाई पेज के भी क्या सिचुएशन चल रही है उससे तो आप सब वाकिफ ही होंगे, लेकिन अभी जो उसमें है ना कुछ फर्दर भी इन्फॉर्मेशन निकल के आई एकदम लेटेस्ट अपडेट, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो यस वो भी देख ही लेना। और बात करने वाले भाई स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में जो कि थोड़ी सी शॉकिंग है, मतलब थोड़ी कम आ गई है, और भी अपडेट्स है सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। अगर आपने स्किप किया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। अगर मैं चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि शेयर कर देना, क्योंकि चैनल पर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज अपडेट देखने को मिलती रहती है। चलिए आज कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब बातों को शुरू कर लेंगे भाई स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के साथ, तो भाई स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आई है 1.803 मिलियन व्यूअर्स, पिछले हफ्ते आई थी 1.847 मिलियन व्यूअर्स, तो यहाँ पे जो थोड़ी सी है ना नंबर घट गया है, करीब 0.80% के आसपास घट गया, तो काफी मिनिमल है। फिर भी जो व्यूअरशिप कम आई है जबकि शो पे काफी सारी अच्छी चीजें होती है, दो MITB के क्वालिफाई मैचेस होते हैं, आईसी टाटा का मैच होता है, मेन इवेंट भी होता है कमाल का रेड वर्सेस सेमी जेन, पर फिर भी व्यूअरशिप थोड़ी डाउन हो गई है। अब अपने हाथ में नहीं है व्यूअरशिप का और नई व्यूअरशिप से अपना को लेना देना है, पर फिर भी जो व्यूअरशिप थोड़ी कम हो चुकी है। शायद अगले हफ्ते जो व्यूअरशिप 2 मिलियन पार कर जाएगी, बिकॉज ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल इज कमिंग। बात कर लेंगे भाई शेमस के बारे में, तो शेमस ने जो यहाँ पे इनडायरेक्टली चैलेंज कर लिया हमारे गुंतर को जो कि न्यू आईसी चैंपियन, तो भाई कैसे क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देख पाएंगे गुंतर ने जो अपने ट्विटर अकाउंट से भाई ट्वीट किया है, वहाँ पे अपनी जो फोटो डाली ऊपर कैप्शन में लिखा हुआ WBC चैंपियन, तो उसको जो है ना कोट करते हुए जो शेमस ने रिप्लाई दिया है, और शेमस ने वो जो टारगेट वाला जो इमोजी होता है ना आप देख पाए होंगे उसको जो है ना पोस्ट किया है, तो यहाँ पे वो इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि उनका जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला भाई डूमेंट है, जो न्यू डे वाली टीम है उससे हट जाए, तो उनका जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो होने वाला आईसी चैंपियन। बस अगर ये मैच होता है भाई इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए शेमस वर्सेस गुंथर, आप देखना चाहोगे नहीं मुझे बता सकते हो, बाकी मेरे को तो लगता है ये होके जाएगा और शायद समर स्लैम में होगा वो भी इसी साल। बात कर लेंगे भाई एलेक्सा ब्लिस के बारे में, तो हाल ही में जो है एलेक्सा ब्लिस का इंटरव्यू होता है और वो बात करते हैं अपने ड्रीम अपोनेंट के बारे में, तो वहाँ पे उन्होंने नाम लिया रिया रिप्ली का, कहते हैं भाई रिया रिप्ली जो काफी फैंटास्टिक सुपरस्टार है, काफी फैंटास्टिक भाई जो प्रोफेशनल एथलीट है वो ही कह सकते हो आप, तो उससे वो लड़ना चाहती है, और वैसे भी आज तक तो वो लड़ी नहीं है, तो भाई एलेक्सा ब्लिस का ड्रीम अपोनेंट है यहाँ पे रिया रिप्ली, वो लड़ना चाहती है रिया रिप्ली से। बात कर लेंगे भाई पेज के बारे में, तो भाई पेज की क्या सिचुएशन आप सब उससे वाकिफ होंगे, और नहीं हो तो मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो पेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होने वाला एक्सपायर 7 जुलाई को, और WBC के साथ जो उन्होंने रीसाइन नहीं किया या फिर WBC रीसाइन नहीं करवाया है, तो आप उसको लेकर मैं कंफर्मेशन देने वाला हूँ। तो और जो है ना पेज ने भाई पूरी WBC की जो टीम है उनको थैंक यू बोला कि आपने भाई इतने साल तक मेरा साथ दिया और मुझे भाई बहुत कुछ अचीव करने में मदद की, तो उसके लिए बस थैंक यू कहता हूँ। ये थी भाई कल वाली सिचुएशन, और उन्होंने कह दिया था भाई अभी के लिए जो मैं WBC से भाई ऑफ हो चुका है और वो शायद किसी और कंपनी में भी जा सकता, तो ये थी कल वाली सिचुएशन। और आज क्या सिचुएशन हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई लेटेस्ट अपडेट यही है कि यहाँ पर जो ट्विच पर ना स्ट्रीम कर रही होती है वही गेमिंग स्ट्रीम कर रही होती है, फुल टाइम गेमर ही है फिलहाल, तो वो ऐसा तो है नहीं, तो वहाँ पर जो गेमिंग स्ट्रीम पर है ना वो बताती है कि WBC के साथ उन्होंने रीसाइन नहीं किया है, यहाँ पर जो WBC ने उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया, उन्होंने जो विश्व से भी बात की कि क्या आप लोग मुझे वापस रीसाइन करवाने वाले, तो विश्व ने कह दिया अगर आप लड़ती हो तो आप रीसाइन कर सकती हो, वरना अगर आप घर पर जाने वाले तो हम आपको रीसाइन नहीं करवाने वाले। यहाँ पे भाई पेज तो WBC को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन भाई WBC वाले देखो ओवरऑल इट इज अ WBC इट इज अ बिजनेस कंपनी, तो देखो उनको भी पैसा कमाना है, और फालतू वो भी किसी मतलब कोई भी हो भले लेजेंड सेथ रॉलिंस हो चाहे रोमन है जो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर वो घर पर बैठा तो फालतू उनको 3 साल तक पैसा नहीं देंगे, और फालतू जो एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी साइन नहीं करवाने वाले, तो अगर यहाँ पे पेज लड़ती है तो उनको भाई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं लड़ती है तो यहाँ पे जो उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला है और वो लड़ने वाले तो है नहीं, तो यहाँ पे जो WBC उनको नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया और इन दोनों के बीच में जो नेगोशिएशन नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है कि भाई पेज जो यहाँ पे WBC के बीच में कोई कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, दोनों ने जो भाई अच्छे टर्म्स पे क्या बोला अच्छे टर्म्स पे जो गुड कंडीशन पे जो है यहाँ पे भाई दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा है। अब पेज भाई नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती, और WBC भी उसको फालतू पे पैसा तो दे नहीं सकती, तो WBC यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया तो यही कुछ चल रहा है। और हाँ WBC के जो विश्व मैंने और जॉन लॉरेटस उन्होंने कहा है कि हमारी कंपनी के दरवाजे आपके लिए खुले, तो भाई जब भी आना चाहो आ सकते हो, तो भाई यही कुछ सिचुएशन है और ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर पेज को कभी आना होगा तो वो आ जाएगी। ऐसे बात करेंगे भाई सैमी जेन के बारे में, तो यहाँ पे भाई रिपोर्ट्स का कहना है कि सैमी जेन का काफी जल्दी जो है ना बेबी फेस टर्न हो सकता है, वो ऐसा क्यों कहे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वही फिलहाल जो उनकी सिचुएशन चल रही है ना ब्लड लाइन के साथ, तो उसके हिसाब से भाई उसको देखिए मुझे तो नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे भाई रिपोर्ट्स को लगता है कि बहुत जल्द जो WBC प्लान कर सकती है सैमी जेन को भाई बेबी फेस बनाने का, और फिर हो सकता है भाई सैमी जेन और केविन उस मिलकर एक टैग टीम बनाए और यहाँ पे जो उसको फेस करे, तो भाई ऐसा कुछ हो सकता है, और हो सकता है तो काफी जल्दी होगा वरना फिर नहीं होगा। बात कर लेंगे भाई अपोलो क्रूज और कमांडर अजीज के बारे में, तो आप सब जानते हो ये जो NXT के रोस्टर में जा चुके हैं, लेकिन भले ही NXT के रोस्टर में चले गए हो लेकिन इनका जो मनी है ना मतलब जो पेमेंट है ना वो अभी भी इनको जो मेन रोस्टर वाली मिल रही है। अब पता नहीं मैं अपडेट क्यों दे रहा हूँ, बस अपडेट मुझे दिख गई तो मैं सोचा दे दी, बाकी तो वही सीधी बात है अगर वो NXT में जाए चाहे स्मैकडाउन में जाए पेमेंट तो सेम ही रहने वाली है, तो बस ये छोटी सी अपडेट थी तो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। ऐसे बात करेंगे नेक्स्ट फाइन अपडेट के बारे में, जो कि जो ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल करंट एंड यूनिवर्सल चैंपियन एक्नॉलेज मी रोमन रेंस के बारे में, तो रोमन जो फाइनली भी अगले स्मैकडाउन पर आने वाले रिडल के साथ इनका मैच होने वाला फॉर द स्मैकडाउन सॉरी स्मैकडाउन का सगी फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और भाई पहली बार ही होने वाला है कि वो डिफेंड करने वाला है जैसे मैं 38 के बाद, तो उस पर जो उनका रिएक्शन आ चुका है रोमन का ट्वीट आप देख पाएंगे, नाउ आई हैव टू लीव द प्राइवेट आइलैंड जंप ऑन द
प्राइवेट यार्ड एंड देन बोर्ड द प्राइवेट जेट जस्ट टू स्मैश दिस इडियट ऑन एचआई स्मैकडाउन ट्राइबल चीफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी रोमन कहना चाहता है, देखो भाई मेरा प्राइवेट आइसलैंड मतलब उनका नहीं है, डब्ल्यू वालों का है, लेकिन वहाँ से वो निकलेंगे फिर प्राइवेट यार्ड पर जाएंगे जो भी उनकी नहीं वो भी डब्ल्यू वालों की है, फिर वो बोर्ड करेंगे प्राइवेट जेट को जो भी उनका नहीं है वो भी डब्ल्यू वालों का ही है, और फिर आएंगे स्मैकडाउन पे जो भी डब्ल्यू वालों का ही है उनका नहीं हो तो वहाँ पे आएंगे, और इडियट है जो कि जनरल जो कि मुझे नहीं लगते फिर भी रोमन इसको लगता है इडियट है तो है बस, तो वहाँ पर उनको मारेंगे और फिर वापस घर चले जाएंगे। कहते भाई ये है ट्राइबल चीफ की प्रॉब्लम, तो भाई हम समझ गए रोमन ज़्यादा फिर भी अगले स्मैकडाउन पे, तो भाई ये कुछ है। अब क्या थॉट्स आप बता सकते हो भाई किसी वीडियो को देखो मिलता हूँ।